नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम हैं बनारस में और आज मेरा बनारस का दूसरा दिन है और अभी प्रेजेंट में है बनारस के BHU गेट के पास। अभी हम चलेंगे और पहले BHU गेट का सारा कुछ का नज़ारा आपको हम दिखा देंगे, कैसे कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये है BHU गेट और ये BHU गेट के अंदर है BHU हॉस्पिटल श्री सुंदरलाल। तो सबसे पहले तो आप बनारस रेलवे स्टेशन यानी कैंट को ही बनारस बोलते हैं और बनारस रेलवे स्टेशन को ही कैंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप वाराणसी यानी बनारस रेलवे स्टेशन आप आएंगे तो वहाँ से 20 रुपये या 25 रुपये, कोई कोई ऑटो वाले 20 रुपये भी लेते हैं, कोई कोई 25 रुपये भी लेते हैं, तो आप उस ऑटो से सीधा BHU गेट 25 रुपये या 20 रुपये में चले आएँगे और यहाँ से BHU हॉस्पिटल यानी श्री सुंदरलाल हॉस्पिटल ही नाम है जिसे लोग बोलते हैं कि BHU में हम इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत लोग ऐसे हैं जो नए नए हैं बिल्कुल, जिनको जानकारी भी नहीं है BHU अस्पताल के बारे में, जो BHU हॉस्पिटल देखे नहीं हैं, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है और सारा A to Z टोटल विभाग दिखाएंगे, टोटल डिपार्टमेंट दिखाएंगे, कहाँ कहाँ क्या होता है, कैसे कैसे नंबर लगता है, आने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए, देश दुनिया क्या है दिखाने के लिए सारा कुछ। तो कुछ अपने भी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, कुछ आप लोग के लिए भी कुछ हम जानकारी के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सभी से मोस्टली रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये है BHU गेट के पास जो चौराहा है जिसे लोग लंका के नाम से जानते हैं, आपको ऑटो वाले बोलते होंगे लंका लंका, तो ये BHU गेट के पास ही है चौराहा लंका और ये सामने में BHU गेट है। अभी हम इसी के अंदर चलेंगे और ये गेट के अंदर सामने सड़क, अभी इसी सड़क से हम लोग चलेंगे अंदर सीधा। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये सड़क आपको बैक कैमरा से दिखा दिए जिस सड़क से अभी हम आए हैं वापस, और ये है सामने सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जिसे कि लोग बोलते हैं कि BHU में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। और ये गेट के अंदर का दृश्य है, जैसे ही आप वो गेट को अंदर में प्रवेश करेंगे तो ये सारे लोगों का गाड़ी बाइक वगैरह लोगों का आना जाना, बहुत लोग आते हैं, देश भर के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है। और ये सामने देख सकते हैं BHU जहाँ पे नंबर लगता है, ये चेस्ट वार्ड है, सब अलग अलग वार्ड है यहाँ पे। और ठीक उसके बगल में एक थोड़ा सा पार्क बना हुआ है, थोड़ा सा नहीं, BHU में तो बहुत ऐसे पार्क मिलेंगे आपको। और अभी हम चलते हैं अंदर अंदर, ये है BHU का रास्ता जहाँ से कि आप जाएंगे इलाज कराने आएंगे तो जाएंगे, आपको नंबर लगाने आपको जाना होगा। और ये सारे डॉक्टरों की सूची यहाँ पे लगी हुई है और उधर भी आप देख रहे हैं जो सामने, वो सारे लोग अपना अलग अलग डिपार्टमेंट में इलाज करा रहे हैं और यहाँ पे नंबर लगता है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नंबर लगाएंगे और ठीक इसी गेट से अंदर में प्रवेश करेंगे। सारे डॉक्टर्स, सभी विभाग के डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं और ठीक उसके बगल में ऐसे कई पार्क हैं जो आपको 1 घंटा 2 घंटा लोग दिन भर बैठकर समय को व्यतीत करते हैं, ये देख सकते हैं थोड़ा सा हम ये पार्क BHU में ऐसे बहुत पार्क मिलेंगे। और ये सामने दूसरा विभाग है और यहाँ से और आगे बढ़ेंगे हम, आपको दिखाए कहाँ पे नंबर लगता है। सबसे पहले आप इलाज कराने के लिए आएंगे तो आपको यहीं पे आना होगा, आप वहाँ पे नंबर लगाएंगे, नंबर लगाने के बाद किस विभाग में जाना है वहाँ के नर्स लोग बताएंगी। और ये है सारा टर्म एंड कंडीशन अस्पताल का, ये सारा अस्पताल का मुख्य गेट के अंदर में प्रवेश करते हैं आपको देखने को मिलेंगे, इसी के रास्ते में आपको अंदर प्रवेश करना होगा। सभी तरह की बीमारी चाहे वो जैसा भी हो उन सभी का यहाँ पे इलाज बिल्कुल सरकारी खर्चे में हो जाता है। आपको थोड़ा सा परेशानी तो होगा क्योंकि यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी रहती है। और ये सामने में स्वागत एवं पूछताछ केंद्र है जो हमेशा बंद ही रहता है, कभी इसको हम खुला नहीं देखे हैं, कोई स्टाफ कभी वहाँ बैठे नहीं हैं, हमेशा बंद रहता है। अब ये सामने में
और फिर से एक बार बाहर का आपको हम नज़ारा दिखा देते हैं, जहाँ से कि आप प्रवेश करेंगे ठीक BHU गेट से अंदर में आएंगे, एक सामने में चौराहा पड़ेगा और ठीक चौराहे के बगल में ये सर सुंदर लाल हॉस्पिटल है, जिसे कि लोग बोलते हैं कि हम BHU में बनारस इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। और एक ठीक गेट के बाहर में इस तरह का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, और फिर से एक बार हम दिखा देना चाहते हैं वो सामने BHU गेट, और ठीक इसके बगल में ये एक सड़क और सीधा सामने अस्पताल का बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए सर सुंदर लाल हॉस्पिटल। दोस्त जाते जाते हम एक बात आपको ज़रूर याद दिला देंगे, दिन के दोपहर में 2 बज रहे हैं, इतना तेज़ धूप, मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पसीने पसीना, तो प्लीज़ आपसे मेरी, आप सभी दोस्तों से मेरी मोस्टली रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।